मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से हृदय तल से स्वागत करता हूँ। जितने भी अजीज हैं सबका हृदय तल से स्वागत है। हैव अ नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो भी साथी यहाँ उपस्थित हो जाइए और कार्यक्रम शुरू करते हैं। हैव अ नाइस मॉर्निंग वंस अगेन। हम प्रश्नों की प्रकृति की चर्चा करेंगे, जाहिर सी बात है प्रश्नों के पैटर्न के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हर रोज हम मिलते हैं, जब हर रोज मुलाकात होती है तो कम से कम इस बात की खबर हो आपको कि हमें देखना पड़ेगा कि प्रश्न क्या कहता है। जैसे आपके समक्ष पहला प्रश्न, आप इस प्रश्न को देखिए, एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए। आप अगर इस प्रश्न को देखेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आपको इस बात का एहसास हो गया कि आपने इस प्रश्न को करा है पहले। इस प्रश्न को आपने 15-20 दिन, एक माह पहले करा है। लेकिन वो व्यक्ति ही जानेगा जो व्यक्ति नियमित है, एक क्लास में नियमित रहेगा तभी जान पाएगा। जाहिर सी बात है इस प्रश्न को देखेंगे, गौर से फरमाएंगे तो प्रश्न की प्रकृति आप आसानी से पहचान सकते हैं और प्रश्न का उत्तर बखूबी आप दे सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? जब मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा, कैसे और किस प्रकार से बना सकते हैं। गौर से देखिए 221, 6 का क्यूब प्लस 5, 221 क्या कहलाता है? 6 का क्यूब प्लस 5। आपने इसके आसपास की जो संख्या वर्ग और घन आपने रख दिया, उसी प्रकार से 348 क्या हो जाएगा? 348 7 का क्यूब प्लस 5। उसी प्रकार से 517 की जहां तक मैं बात करूं, 517 क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब प्लस 5। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये 6 का क्यूब प्लस 5 है, यानी ये आपका 7 का क्यूब प्लस 5 और ये आपका क्या हो जाएगा? 8 का क्यूब प्लस 5। आपने देखा ना, सभी संख्या वर्ग और घन के करीब है। क्या ऐसी कोई संख्या यहां से आप तलाश कर सकते हैं? कर सकते हैं। पहले पे ट्राई करते हैं, 1005 को कह सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 5। उसके बाद 1336 को हम कह सकते हैं 11 का क्यूब प्लस 5, क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है। उसी प्रकार से इसे कह सकते हैं 12 का क्यूब प्लस 5, 12 का क्यूब प्लस 5। कुल मिला के यदि आप प्रश्न की प्रकृति को देखें और बताने का प्रयास करें, ये 10 है, 11 है और ये 12। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पे 6, 7 और 8 है। ये क्या है? 6 है, 7 है और 8 है। तो विकल्प के अनुसार देखिए और बताने और बनाने का प्रयास करें, तो विकल्प ए दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। मैं तो बस इतना कहता हूं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने स्नेही से, अपने करीबी से कि प्रश्न की प्रकृति बहुत जरूरी है। यदि आप प्रश्न की प्रकृति पहचान लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ये चीज है कोडिंग का प्रश्न। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा हुआ है कि कोडिंग के प्रश्न आपके सामने, ये आपको क्या लगता है, ये कोडिंग का पहला प्रश्न आप बना रहे हैं? ऐसे प्रश्न को आपने बनाया है पहले तो जाहिर है आप बना सकते हैं। और मैं इसी उम्मीद से क्लास में आता हूं कि उत्तर आपके द्वारा हो और फिर हम क्या करें, मुहर लगाएं और जो नए विद्यार्थी वो भी सीखें, जो नए हैं और सीजीएल की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थी तैयार रहिए, सीएचएसएल वाले भी तैयार रहिए। नोटिफिकेशन, तारीख सब संभावित है, सब अचानक घोषित हो जाएगी। जैसे ये सवाल आपके पास है, ऐसे सवाल को देखने पे आप एक चीज देखते हैं कि जो बुटलेस है, क्या लिखा, BOOTLESS, बुट आल एल ए सी लेस, एल ए सी लेस, बुटलेस। उसके बाद आपके पास है कैपलिन, क्या लिखा हुआ है, कैपलिन, सी ए पी एल आई एन, कैपलिन लिखा। कैपलिन के बाद आपके पास लिखा है टेपिकोआ, ध्यान से देखिएगा, कैपलिन, सी ए पी एल आई एन, कैपलिन। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है टेपिको, टी आई पी आई ओ सी ओ सी, टेपिको, टेपियो का। क्योंकि पहले तो दो चीजें तो आपको दी गई है ना, बुटलेस का दिया 499, 603, 72, 499, 603 और 72। इसका दिया हुआ है 738, 20, 15, 738, 20 और 15। अब देखिए चीजें आप कॉमन ले सकते हैं। टी का पहले प्रयोग है कि हाँ टी का पहले प्रयोग है, कहां पर टी का यहाँ पे प्रयोग है, तो टी का कोड क्या हो जाएगा, टी का कोड 6 हो गया। ए का कहीं प्रयोग है, ए का प्रयोग है, ए का कोड यहाँ पे 3, तो ए का कोड क्या हो जाएगा, 3। तो 6 के बाद क्या होगा, 6 के बाद 3 होगा। किस विकल्प में, इस विकल्प में, तो विकल्प डी दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाएगा, 6 के बाद 3। बात समझ में आई? वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आपकी प्रतिभा को प्रणाम करता हूं, नमस्कार, तहे दिल से हृदय तल से आपका स्वागत है।
मैं पुनः आप सबको विशेष तौर पे कहूंगा कि प्रश्न की प्रकृति पहचानना जरूरी है। यदि आप प्रश्न की प्रकृति पहचान लेते तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जाहिर सी बात है। कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं प्रोसीड करता हूं। आप देखते जाइए, हर एक प्रश्न को नाप तौल कर आपके समक्ष रखने का प्रयास करता ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये नंबर सीरीज का सवाल है। यहां से यहां आना। आप बताने का प्रयास करिए क्या चीज है, क्या मामला है, क्या शिफ्टिंग है, बताने का प्रयास करिए। यदि आप गौर से देखेंगे तो प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न की प्रकृति पहचान कर प्रश्न का उत्तर बेफिक्री से आप दे सकते हैं। क्लियर है? ध्यान से जितने भी साथी उपस्थित, देखिए मैं केवल और केवल आपको बोलता हूं, फोकस आप करिए एक एक आइटम पे। त्रिभुज यहां से यहां आना। तो त्रिभुज आपको यहां पर मिले, कौन सा विकल्प है जिसमें त्रिभुज बॉटम राइट में, यहां नहीं देख रहे हैं आप, यहां भी नहीं है बॉटम राइट में, यहां पर त्रिभुज बॉटम राइट है और यहां भी त्रिभुज बॉटम राइट है, यानी त्रिभुज आपका बॉटम राइट में। त्रिभुज का पता चल गया कि त्रिभुज बॉटम राइट में। उसके बाद हम किस पे चलते हैं, उसके बाद हम चलते हैं वर्ग पे। वर्ग की बात करें, वर्ग का यहां से यहां जाना, देख रहे, फिर वर्ग का यहां से यहां आना, ठीक है। इसके बाद वर्ग कहां जाएगा, आप जस्ट सोचिए वर्ग कहां जाएगा सोचने का प्रयास करिए। और अगर आपको दिक्कत है तो समझने का प्रयास करिएगा कहां जाएगा, कोई बता दे। अब देखिए इसमें से ज्यादातर साथी देंगे सर ए उत्तर होगा, क्योंकि वर्ग कहां जाएगा ये आपको देखना तो पड़ेगा। ए फॉर एप्पल, देख रहे हैं पैटर्न, आप पहचान रहे, पैटर्न पहचानिए। उसके बाद अगर लगता है कि हमें इसमें पहचान नहीं है तो आप सर्कल को देखिए, सर्कल यहां से यहां गया, नहीं सर्कल आपका यहां से यहां गया, फिर सर्कल यहां से यहां गया, अब सर्कल आपका कहां आएगा, सर्कल का डिजाइन अब यहां से यहां आएगा, आएगा यानी तो सर्कल बीच में आएगा, तो इसमें विकल्प ए दिया गया, प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कैसे शिफ्टिंग हो रहा है, बहुत बढ़िया ए, इसलिए बहुत जरूरी है। ये भी सवाल एक जरूरी सवाल है, कैलेंडर का सवाल है, हो सकता है कि आपको याद ना हो, परंतु मैं 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा, आप बस बता दीजिए, ध्यान से बताइएगा। लेकिन 2-3 सवाल आपसे पूछूंगा, 1 सितंबर है, 1 सितंबर को क्या है सैटरडे, मैं लिख दूं 1 सितंबर को सैटरडे, 1 सितंबर को क्या है सैटरडे, 1 सितंबर को क्या है सैटरडे, हमें 1 दिसंबर भी देखना है, 1 सितंबर को सैटरडे है, हमें 1 दिसंबर भी देखना है। सितंबर में कितने दिन होते हैं, यहां से चलेंगे, सितंबर में आपके पास कितने दिन बचे, 29 दिन। अक्टूबर में 3 लग दें क्योंकि 31 का होता है, दिसंबर में, नवंबर में 2 रख लें और दिसंबर में 1 रख लें, ये हो गया, सबको जोड़ लें, 29 का मतलब 1 होता है, फिर आप 3 कर लें, फिर ये 2 कर लें, फिर 1 कर लें, सबको जोड़ दें, 3, 2, 5, 2, 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सैटरडे है तो ये भी क्या होगा सैटरडे होगा। तो आपने एक चीज गौर किया कि 1 सितंबर को सैटरडे है तो 1 दिसंबर को भी सैटरडे होगा, इसका मतलब ये हुआ सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना क्या होगा, रिपीट होगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना। 1 सितंबर को सैटरडे है तो 1 दिसंबर को सैटरडे होगा, 2 सितंबर को संडे है तो 2 सितंबर को संडे होगा, 2 दिसंबर को संडे होगा, मतलब हम कह सकते हैं सितंबर का महीना दिसंबर का महीना रिपीट होगा, कह सकते हैं ना सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना रिपीट होगा, इस तरह से बैलेंस करना पड़ता है। परंतु ये तो मैं आपको व्याख्या बता रहा हूं, मैंने मान लिया सैटरडे, मैंने मान लिया, अरे कोई दिन तो होगा, मंडे ट्यूजडे वेंसडे कोई तो दिन होगा, तो 7 दिन के बाद क्या होगा, वही दिन रिपीट होगा, इसका मतलब 1 सितंबर को जो होगा वही 1 दिसंबर को होगा, ये बात पक्की बात है। परंतु आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको बताता हूं,
आपको विकल्प से जाना है, ऐसे कैलकुलेट करना है कितने दिन होंगे। जैसे जून, आपको एक जून और एक अक्टूबर बताना कितने दिन होंगे, तो जून का पूरा दिन ले ले, दो है। जुलाई कितना है, तीन है। अगस्त कितना है, तीन है। सेप्टेम्बर कितना है, दो है। अब इन सबको जोड़ दें, क्या अक्टूबर रिपीट होगा, तीन तीन छह दो आठ, ना, पहला विकल्प नहीं। अप्रैल का नवंबर में देखें, अप्रैल कितना है, और अप्रैल का जुलाई में भी देखने का प्रयास करें, अप्रैल कितना है, अप्रैल आपका दो है। मई कितना, तीन है। जून कितना है, दो हो गया रिपीट, तीन दो पांच दो सात, आंसर होगा अप्रैल और जुलाई। मतलब एक अप्रैल को जो भी दिन होगा वही दिन एक जुलाई को होगा, ये बात पक्की है। आप कैलेंडर में जाके देख लीजिए, कोई भी कैलेंडर जाके उठा लीजिए, जो एक अप्रैल को दिन होगा वही दिन एक जुलाई को होगा। आप कहेंगे कि महीना रिपीट होगा, बिल्कुल महीना रिपीट होगा। आप कहेंगे सर ये कैसे कह सकते हैं, अप्रैल का तो महीना 30 का होता है, जुलाई का 31 का होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक अप्रैल को जो भी दिन होगा वही दिन एक जुलाई को होगा, दो अप्रैल को जो दिन होगा वही दिन दो जुलाई का होगा, इसका मतलब 30 अप्रैल को जो दिन होगा वही दिन 30 जुलाई को होगा। इतना तो रिपीट होगा, एक से लेकर 30 अप्रैल तक, एक से लेकर 30 जुलाई तक दिन सेम होगा। कोई भी कैलेंडर जाके देख ले। ये कैसे निकालते, ये निकालते नंबर ऑफ ऑड डेज से, क्योंकि अप्रैल में दिन कितने, दो है, मई में तीन है। मई में आप कहेंगे अप्रैल में दो दिन क्यों है सर, आप अप्रैल में दो दिन क्यों लिखा, आप कहेंगे सर अप्रैल में आपने दो दिन क्यों लिखा, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन होते हैं। आप कहेंगे मई में तीन दिन क्यों लिखा, क्योंकि मई 31 का होता है। आप कहेंगे सर जून में दो दिन क्यों लिखा है, क्योंकि जून 30 का होता है। तो दो तीन दो आपने कर लिया, इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। किसी अजीज को किसी प्रकार की दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो बताने का प्रयास करें, आप इस तरह से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के। कोई दिक्कत है, ऊपर से गया ना मित्र, जाएगा, बेशक जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि अप्रैल में 30 दिन होते हैं और 30 को मैं दो बोल रहा हूं, तो इसलिए जा रहा है क्योंकि आप 30 को 7 से भाग नहीं कर रहे, तभी तो दो आया। मैं कह रहा हूं कि मई में 31 दिन होते, 31 को 3 कह सकते हैं, यानी क्योंकि 30 को हम 7 से भाग करेंगे, शेष आपके पास 3 दिन बचेगा। तो इस बात की खबर रहे आपको मेरे अजीज दोस्तों, मेरे स्नेही, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, महीना में रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए अप्रैल और जुलाई का मंथ क्या होगा, सेम होगा। उदाहरण के तौर पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ऐसे समझिए, अप्रैल का 1 अप्रैल और 1 जुलाई आपको बताना है सेम होगा या नहीं। यही ना, अगर हमें पता चल गया, सुनिए 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 सुनिए, प्लीज डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करिए, सुनिए, हल्ला नहीं, शोर नहीं। 1 अप्रैल 1 जुलाई यही तो करना है ना, क्योंकि इसने बोला कि सेम कैलेंडर, 2 मंथ्स बताना जिसका कैलेंडर क्या हो सेम, यही करना ना, ठीक है। अप्रैल में कोई भी दिन आप मान लीजिए, कोई दिक्कत, मिस 1 अप्रैल 1 जुलाई सेम कब होगा, जब हमें गुणक 7 का चाहिए। अप्रैल में कितने दिन है टोटल, 30 दिन है। मई में कितने दिन है, 31 दिन है। जून में कितने दिन है, 30 दिन है, यही ना, तभी तो 1 जुलाई आएगा। पूरा अप्रैल लिया, पूरा मई लिया, पूरा जून लिया, फिर से देखिए, पूरा का पूरा आपने अप्रैल लिया, पूरा का पूरा अप्रैल लिया, पूरा का पूरा मई लिया, और पूरा का पूरा जून लिया, देख लीजिए, पूरा का पूरा अप्रैल लिया, पूरा का पूरा मई लिया, और पूरा का पूरा मैंने जून लिया। और अप्रैल का मतलब क्या होता है, 2 होता है, मई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, और जून का मतलब क्या होता है, 2। 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, 7। जाहिर सी बात है 1 अप्रैल और 1 जुलाई क्या हो गया, सेम। अगर 1 अप्रैल को सैटरडे है तो 1 जुलाई को भी सैटरडे होगा, क्योंकि 7 का गुणक। अगर ये सैटरडे, 1 जुलाई को भी क्या होगा, सैटरडे। बात समझ में, सात का गुणक, बात समझ में, बात समझ में आई या नहीं। 1 अप्रैल और 1 जुलाई आपको क्या मिला, सेम मिला, बात समझ में है। अब किसी को दिक्कत है क्या, रीड करिए साक्षी मलिक एजुकेशनल, रीड करिए मित्र, प्रॉपर तरीके से मन मस्तिष्क से एक जगह रखें, शारीरिक और मानसिक स्थिति एक जगह होनी चाहिए,
शरीर और मन में भेद नहीं होनी चाहिए, दोनों की अवस्था सेम होनी चाहिए। शरीर और मन अगर विपरीत दिशा में है तो व्यथित हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। चलिए, शॉमिन चाडन चाचड़, अद्भुत ऐसे नाम आप रखते हैं, परेशान आत्मा, चौमिन चाचड़, किसी प्रकार की दिक्कत है? सरस सूरज, स्वीटी सृष्टि, रुद्र। चलिए, ये बात समझ में आ गई। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, जाहिर है। अगले बिंदु पे मैं प्रवेश करता हूं। प्रश्न की प्रकृति समझकर उत्तर देने का प्रयास करें जितने भी अजीज यहां पर उपस्थित हैं। यहां पर जितने भी अजीज उपस्थित, गौर से देखें, प्रश्न की प्रकृति पहचान कर उत्तर देने का प्रयास करें। कैसे? यहां पर बात है दो का जिस प्रकार से संबंध 255 से, चार का कर लेता हूं, चार का जिस प्रकार से संबंध 255 से, उसी प्रकार से बताने का प्रयास करिएगा। पांच का संबंध किससे होगा? चार का जिस प्रकार से संबंध विकल्प के अनुसार, विकल्प देने का मैं प्रयास करता हूं। 524 विकल्प, 623, 624 विकल्प है, 740 बताने का प्रयास करें। विच वन इज ट्रू? किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, उत्तर देने का प्रयास करें। क्या होगा, किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? ध्यान बहुत आवश्यक है। अद्भुत है आपकी प्रतिभा, यूं लिखा यूं उत्तर आया, यही कमाल है। इसको कहते हैं कमाल। इसका मतलब है आपको वर्ग और घन आत्मसात हो चुका है, इससे ये जाहिर होता है ना। इसलिए तो मैं बीच बीच में ऐसे प्रश्न रखता हूं कि चीजें पता चल जाए। आपको इत्तला करना चाहता हूं वर्ग और घन को लेकर। 4 to the power 4 minus 1 ये हो जाएगा 5 to the power 4 minus 1 है या नहीं? 5 to the power 4 क्या होता है? 5 to the power 4 होता है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, 625 माइनस 624 होगा। ये बात स्पष्ट है ना मित्र? अद्भुत अद्भुत, वाकई अद्भुत, इसमें कोई दो राय नहीं। अगले बिंदु पे चलते हैं। ये मिसिंग नंबर का सवाल है। इसमें कहा जाता है कि पहले प्रश्न को पहचानो। पहचानो कैसा प्रश्न है मेरे दोस्तों, मेरे काबिल दोस्त? जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न बनाने हैं, बीच में संख्या 63 लाना है और बाहरी संख्या कुल जोड़ के तो नहीं ला सकते, गुणा आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मल्टीप्लाई। हाँ, रीजनिंग की क्लास है, लेकिन वो मिशन वर्दी में, स्पेशल रीजनिंग की नहीं है, मिशन वर्दी के अंतर्गत है। लेकिन मिशन वर्दी में अद्भुत तरीके से मैं उसमें प्रोसीड कर रहा हूं। अद्भुत, वाकई अद्भुत। दिव्य पुस्तिका इत्यादि सब दे रहा हूं, दिव्य पुस्तिका के साथ मिशन वर्दी। दिव्य पुस्तिका एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें प्रश्न के साथ व्याख्या सहित दे रहा हूं। जैसे किताब होती है ना, बुक पुस्तक होती है, उस प्रकार की हर एक टॉपिक एक पुस्तिका है जिसमें प्रश्न और व्याख्या दोनों समाहित है, जिसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। और बाकी आपको क्लासरूम में जो ऐसे करवाता हूं वो तो करवाता ही हूं। ये मिशन वर्दी की बात कर रहा हूं, यूपी कांस्टेबल मिशन वर्दी की बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ उसमें कहने का अर्थ है कि डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, उसी के तर्ज पे जो क्लास में करवाया उसी के तर्ज पे, तो ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है, बैंकिंग के एग्जाम के लिए नहीं है। हाँ, कांस्टेबल इत्यादि कोई भी परीक्षा को आप टैकल कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमें क्या लाना है? 63 लाना है, तो 5 × 15 = 6 × 48। अगर हम बात करें तो 6 × 48 प्लस 5 × 15 कर सकते हैं, और 63 आ भी रहा। इन दोनों को गुणा कर दिया, इन दोनों को गुणा करके फिर क्या कर दिया आपने? जोड़ दिया ना, जाहिर। उसी प्रकार से इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा कर दिया, दोनों को गुणा कर दिया, दोनों को क्या कर दिया आपने? गुणा कर दिया। जैसे 2 × 7 = 14 है, और आपने प्लस कर दिया 3 × 9 = 27। ये 14 है और ये कितना है? 27। 27 और 14 कितना होगा? 41। उसी प्रकार से इन दोनों को गुणा कर दिया, इन दोनों को गुणा कर दिया, 6 × 7 आपका 42 है, प्लस 8 × 5 42, प्लस 40, 42 प्लस 40 कितना होगा? 82। 82 दिए गए प्रश्न का प्रॉपर तरीके से उत्तर हो जाएगा। विकल्प इज करेक्ट, ए विल बी द आंसर, दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर।
क्लियर है। अमित कुमार, मैंने आपसे जिक्र किया ना, प्रॉपर स्पेशल नहीं मिलेगी, लेकिन किसी बैच के संदर्भ में ही मैंने उसमें क्लास ली। तो मैं चाहता हूं कि आपके समक्ष जो प्रश्न है उसका उत्तर दें, आप सभी तैयार हो जाए, नेचर जरूर पहचाने, केवल सवाल को उत्तर की दृष्टि से ना देखें। आप ये भी सोचे कि मान लिया जाए परीक्षा में पता है इस प्रकार के सवाल आते कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा होता है 4, यहाँ पे 3 लिखा होता है, यहाँ पे 144 लिखा होता है, आप समझ जाते 4 × 12 का स्क्वायर कर, तो इस प्रकार से आप जानते हैं इसका संबंध कहीं ना कहीं इन दोनों संख्याओं का संबंध इससे है। तो कहने का अर्थ बहुत सिंपल है, तो दोनों को अगर आप प्लस कर दें 13 × 9 = 13 और 19 कितना होता है 32, और 32 को अगर हम भाग कर दें 8 से तो कितना होगा 4 है या नहीं। उसी प्रकार से 71 + 9 कितना होता है 80, और 80 को अगर हम भाग कर दें 8 से तो 10, 128 और 32 कितना होगा 128 और 32 हो जाता है आपका 160, 160 को अगर हम भाग कर दें 160 को हम अगर 8 से भाग कर दें तो कितना होगा 20। सो 20 दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाएगा, 20 इज करेक्ट, 20 विल बी द आंसर। सो ऑप्शन सी इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स, प्लीज क्लियर, ये बात क्लियर। इस प्रश्न का मैं चाहता हूं आपके साइड से बेहतर उत्तर आ जाए तो अच्छा लगेगा। प्रश्न को देखिए प्लीज और उत्तर देने का प्रयास करिए। प्रश्न को देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए, उत्तर देने का क्या करिए, प्रयास करिए। इस प्रश्न का उत्तर आप सी देना, वाकई कमाल की प्रतिभा है, अनडाउटेडली कितनी गहरी पहचान है, ओहो इसका मतलब ये हुआ पकड़, मांग पकड़, कैसे और कहां पे ये निहित है कोई बता दे, बताने का प्रयास करें जो भी साथी यहां उपस्थित हैं, कहां पर ये निहित है, गौर से देखिए ये निहित आपको मिलेगा, क्या यहां पर निहित है, क्या यहां पे ये निहित है। साइज बड़ा है ये मैटर नहीं करता, साइज बड़ा है ये मैटर करता ही नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, साइज बड़ा है ये मैटर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता, इस डिजाइन को आप कंसीडर कर सकते हैं या नहीं। विकल्प सी दे रहे, ये C4 कौन व्यक्ति कह रहा है, किस भाभी का जिक्र कर रहे हैं मेरे अजीज, किस भाभी का आप जिक्र कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक मनुष्य बने मित्र, उसके बाद विद्यार्थी, आगे चलते। तो विकल्प सी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखिए जब आप भोजन मंगवाते हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रश्न, मैंने पहले भी ये प्रश्न करवाया था, तो उत्तर देने का प्रयास करिएगा कैसे और किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, ध्यान से लिखिए, ध्यान से प्रश्न की प्रकृति पहचान कर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। अगर आप इस प्रश्न को बनाने जाएंगे तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, देखिए नॉर्मल आप शब्दों को जानते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति इन शब्दों में से सबसे पहले सेलेक्ट करेगा तो किसे सेलेक्ट करेगा, पहले मोबाइल, मोबाइल के बाद क्या करेगा वो, मोबाइल के बाद वो सबसे पहले प्ले स्टोर जाएगा, मोबाइल में प्ले स्टोर होता है, प्ले स्टोर जाएगा, प्ले स्टोर जाएगा मोबाइल, मोबाइल के बाद क्या है प्ले स्टोर जाएगा, प्ले स्टोर के बाद प्ले स्टोर पे वहां पे देखेगा फूड ऐप देखेगा, कोई फूड ऐप होगा, फूड ऐप देखेगा, फूड ऐप 4-5-1 हो गया, किस विकल्प में 4-5-1 यहाँ भी है 4-5-1 यहाँ भी, इन दोनों को बाहर, नजर तेज होनी चाहिए आपकी, विकल्प पे नजर रख के बनाते जाए, फूड ऐप के बाद क्या होगा, फूड ऐप ऐप के बाद विकल्प भी पहचान ले, विकल्प से देखे 3 और 6 डिलीवरी नहीं, पहले 6 होगा, पहले डाउनलोड करेगा, पहले 6 होगा, 4-5-1-6 होगा, 4-5-1-6 मतलब विकल्प बी दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा, बस ऐसे ही कर ले, हमेशा विकल्प की मदद ले, विकल्प की मदद लेना बहुत जरूरी है, अगर आप वाकई विकल्प की मदद लेते हैं तो आपको फायदा होगा, इसलिए 4-5-1-6 किस विकल्प में, 4-5-1-6 इस विकल्प में, इस विकल्प को टिक करिए, उत्तर दीजिए, आगे बढ़िए, बात खत्म, नेक्स्ट। आपके पास जो ये सवाल दिया गया है
इसमें प्रश्न आपसे क्या था, किसको अदला बदली कर दें जो हमें 70 प्राप्त होगा। यही कहता ना प्रश्न, किसको अदला बदली कर दें जो हमें क्या प्राप्त होगा, 70 प्राप्त होगा। एक बात साफ तौर पे आप जानिएगा प्लीज दोस्तों मेरे अजीज, ध्यान से गौर से देखिएगा। अब मान लिया जाए किसी कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे जो है 70 लाना है। क्या लाना है मुझे? 70 लाना है। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे क्या लाना है? मुझे 70 लाना है। तो 70 वो कैसे ला सकता है? तो 70 51 और 3 को, 3 को यहां रख देगा और 3 के स्थान पर 51 को रख देगा। सॉल्व करिए, देखिए आप अगर सॉल्व करेंगे 81 में 51 से भाग कर पाएंगे? 81 में क्या वर्ड मास का नियम करता है, पहले डिवाइड कर, तो तुरंत आप इसे खारिज कर देंगे कि ये विकल्प नहीं होगा। आगे चलते, 3 और 4, यहाँ पे 3 रख दें, यहाँ पे 3 रख दें और 3 के स्थान पे 4 रख दें। सॉल्व करें, 51 माइनस 3, 81 में 4 से आप भाग कर पाएंगे? क्योंकि आपको एक नंबर लाना है, 70 लाना है, नेचुरल नंबर लाना है, है? ध्यान से देखिएगा। तो कुल मिला के ये नहीं होगा। देखिए मित्र, स्पेशल क्लास तो नहीं है रीजनिंग की, अगर मैं स्पेशल रीजनिंग की बात करूं, लेकिन ये है कि बैच के दरमियान, लेकिन रीजनिंग के जब भी लाऊंगा आपको सूचित करूंगा। पुस्तक पे भी काम चल रहा है, रीजनिंग की बुक भी आनी है, दोनों चीज वेटिंग में, क्योंकि पुस्तक वो दिव्य पुस्तक होगी। मैं दिव्य पुस्तक इसलिए बोल रहा हूँ कि पुस्तक पे थ्योरी प्रॉपर होंगी, प्रश्न की व्याख्या होंगी, और कोई विद्यार्थी तक थोड़ा बहुत अगर पढ़ा भी हुआ है तो उस पुस्तक के थ्रू सारी चीजें पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर तरीके से थ्योरी होंगी और थ्योरी के आधार पे प्रश्न का भंडार होगा। तकरीबन ये टारगेट है कि एक बार प्रॉपर तरीके से रीजनिंग के 5,500 चैप्टर है, छोटे से लेके बड़े हर प्रकार के चैप्टर्स, तकरीबन प्रश्नों का संग्रह होगा वो बेहतरीन होगा। तकरीबन उम्मीद है कि 15,000 से 20,000 के करीब प्रश्न होंगे, जिसको आप बार 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 अभ्यास करके आप वो एक बार पुस्तक वो बाइलिंगुअल होंगे, इसीलिए बाकी उसके आधार पे ही बैच पे प्रोसीड करूंगा। इसलिए अभी मैं आपको कोई भी बात ऐसी नहीं कहूंगा कि कल बुक आ रही है परसों, लेकिन काम है, एरर फ्री बनाना है तो समय लगता है। यहाँ पे देखिएगा 81 और 81 के स्थान पे 51 कर लें, अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करें। यहाँ पे 81 आ चुका है, 81 में माइनस 4 किया, 4 गुना 7 किया आपने, फिर आपने प्लस किया, प्लस 81 में आपने 3 से भाग किया। इसे सॉल्व करिए, 81 माइनस कितना, 4 गुना 7 कितना, 28 हो जाएगा, और प्लस 81 में 3 से भाग करेंगे, 81 में 3 से भाग करेंगे तो 27 होगा। 81 और 27 मिलकर क्या बनेगा, 7 × 1 = 8, तो 108 बन जाएगा, सॉरी 8 है ना, 3 से भाग करेंगे और तो कुछ नहीं, सॉरी ये 51 हो चुका है, मैं 51 लिखूंगा, ये 51 हो चुका है तो ये 17 हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अदला बदली कर लिया ना, 81 और 51 अदला बदली हो गया, प्रश्न कह रहा है 51 और 81, 81 और 17 कितना, 98 हो गया, 98 में माइनस 28 कर दिया तो 70 हो गया, हो गया ना 70, यही 70। तो आपने एक चीज नोट किया, एक चीज आपने नोट किया, विकल्प सी दिए गए, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 51 और 81 को आप अदला बदली कर दीजिए, आपको 70 प्राप्त होगा। मेरी बात समझ रहे? तो इसका फायदा आपको मिलेगा, इसलिए मैं बार बार अपने दोस्तों को कहता हूं कि आप ना सॉल्व मत करिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन किससे भाग है, आपको तुरंत आइडिया हो गया कि यहाँ पे 51 को 3 से भाग कर सकते हैं। अभी क्या हुआ था, हुआ क्या था, अगर 3 यहाँ पे हमने क्या किया, 51 और 3, इसने बोला कि यहाँ पे 51 रख दो, तो 51 रखने से पॉइंट नहीं बनेगा ना, चीजें नहीं बनेंगी, इसलिए जो जिससे भाग हो जाए आसानी से वो आप कर सकते हैं। जैसे क्या है, अगर जिस व्यक्ति को वर्ग और घन याद हो, जिस व्यक्ति को मैंने स्क्वायर एंड क्यूब्स का जब जिक्र किया होगा, मैंने ये बहुत मतलब हर एक विद्यार्थी को कहता हूँ कि संख्या पहचानो, और संख्या अभी जैसे मिशन वर्दी में विद्यार्थियों को कहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक संख्या रखता हूँ 210, मैं सभी विद्यार्थियों को कहता हूँ कि आप 210 को जानते हैं वर्ग और घन के आधार पे, मैं बार बार कोट करता हूँ, वर्ग और घन के आधार पे 210 को जानते हैं, बिल्कुल, विद्यार्थी कहता है सर हमें तो मालूम है 14 का स्क्वायर + 14 है ना, और 15 का स्क्वायर - 15 है या नहीं, और साथ ही साथ 210 को हम क्या कह सकते हैं, 6 का क्यूब - 6। ये बात समझ में आई दोस्त? तो संख्या एक, उसके रूप अनेक, यही बात मैं विद्यार्थियों से खास तौर पे आग्रह करता हूं कि वो पहचानने का प्रयास करें। इसीलिए 210 हो गया, उदाहरण के तौर पे मैं 342 की बात कर रहा हूं, अगर मैं 342 की बात कर रहा हूं तो 342 क्या, 18 का स्क्वायर + 18, उसी प्रकार से 19 का स्क्वायर - 19 है या नहीं, और साथ ही साथ 342 को हम कह सकते हैं 7 का क्यूब - 1, मतलब संख्या एक रूप अनेक। उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि आप इसे भी पहचानें,
जैसे 12 है, 12 को हम क्या कह सकते हैं, 12 को हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3, राइट। और 20 को हम क्या कह सकते हैं, 20 को हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। उसी प्रकार से इन संख्याओं को पहचानने का प्रयास करिए कैसे होगा, किस प्रकार से। 30 को हम कह सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5, और इसे 42 को हम कह सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5, और इसे हम 6 का स्क्वायर प्लस 6 कह सकते हैं। हमें किस विकल्प का चुनाव, इसे हम नहीं कह सकते क्योंकि इसी फॉर्म में लेना है, 3 है तो 4, 5 है तो 6, मतलब दोनों की जो गुणवत्ता है क्योंकि सादृश्यता है, ऊपर लिखा है ना, जिसमें से संख्याओं में है उस वही संबंध करें जो दी गई संख्या के जोड़े में है, जो जोड़े में है वही चुनाव करना है। तो जोड़े में जैसे 12 20 है, वैसे 30 और 42 जोड़े में है ना, उसी प्रकार से जोड़े में। क्लॉक चैप्टर करवाता हूं मैं तो, बहुत डिमांड है क्लॉक की। अच्छा, कितने विद्यार्थी है जो चाहते हैं कि क्लॉक चैप्टर करें, कितने विद्यार्थी है जो चाहते हैं कि कैलेंडर चैप्टर करें, एक बार हैंड रेज करिए, हाथ उठाइएगा। ये नहीं कि हालांकि क्लॉक तो करवाया हूं, कितने विद्यार्थी, मैं एक दिन क्लॉक चैप्टर भी आपके लिए लाऊंगा। उत्तर देने का प्रयास करें कैसे और किस प्रकार से प्रश्न का उत्तर दे सकते, जितने भी साथी हैं ध्यान से बताने का प्रयास करें किस प्रकार से। मैं क्लॉक, यस 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 यस, ठीक करवा दूंगा क्लॉक। इसका मतलब तकरीबन सभी विद्यार्थी क्लॉक चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, करवाता हूं। और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए, जो भी साथी उपस्थित, मैं चाहता हूं कि जस्ट सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंट नंबर इन द गिवन ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थीम इज व्हाट, एनालाइज द नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर एंड क्यूब्स। पहले जब भी आपको सबसे बेजोड़, सबसे अलग संख्या ढूंढनी, यही पूछा ना, एक भिन्न संख्या आपको प्राप्त करनी है, किसी ना किसी प्रकार से तीन संख्याओं में एक समानता है, तीन संख्याओं में एक समानता, एक संख्या भिन्न ढूंढनी है। वर्ग और घन पहला आधार है, सम विषम भाज्य अभाज्य दूसरा आधार है ना, इस प्रकार से आप करते हैं। जैसे 514 की बात करें तो 514 क्या होता है, 514 हम कह सकते हैं 8 का क्यूब प्लस 2, 8 का क्यूब प्लस 2, ये हम 514 को कहते हैं। उसी प्रकार से 345 को क्या कहते हैं, 345 को कहते हैं 7 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब प्लस 2, 733, और ये कौन है, ये है आपके पास 218, 218 को कहते हैं 6 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब प्लस 2, 6 का घन प्लस 2, है ये। उसी प्रकार से 7 का क्यूब करें तो 9 का क्यूब 729 प्लस 4। आपने एक चीज नोट किया, आपने नोट किया कि सब में क्या हुआ है, सब में आपने प्लस 2, यहाँ पर प्लस 2 और यहाँ पे आपने प्लस 2 किया, तो सबसे डिफरेंट जो विकल्प आप चुनाव करेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी विल बी द आंसर, अंडरस्टैंड। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सो इस प्रकार से आप प्रश्न को डाल, लेकिन पता है जब भी आप बनाएंगे ना तो पहला आधार होता है वर्ग और घन। मैं आपको बताता हूँ किन किन आधारों पर आप सोचते हैं, पहला आधार होता है आपका वर्ग और घन, स्क्वायर एंड क्यूब्स। आप सोचिए वर्ग और घन के आधार, पहला आधार क्या होता है, वर्ग और घन के आधार पे। उसके बाद वर्ग और घन अगर इसमें नहीं मिला तो आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है सम संख्या के आधार पे, विषम संख्या के आधार पे, ये कितनी बार मैंने विद्यार्थियों को बताया है, भाज्य संख्या के आधार पे, अभाज्य संख्या के आधार पे, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स के आधार पे। फिर अगर ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो आप भाज्यता के आधार पर सोच सकते हैं। भाज्यता का मतलब है कौन 5 से भाग है, कौन 6 से भाग है, कौन 7 से भाग है, कौन 8 से भाग है, कौन 9 से भाग है, कौन 10 से भाग है, कौन 11 से भाग है, कौन 13 से भाग है। उसके बाद वक्र के आधार पर सोचिए, वक्र को हम क्या कहते हैं, वक्र को हम क्या कहते हैं, जिगजैग। उसके आधार पर सोच सकते हैं, जिसे आप विविध भी कहते हैं, मिसलेनियस भी कहते हैं, ये बात ठीक है। तो इनमें से सबसे डिफरेंट का चुनाव करना है तो क्या होगा, 733। अगले बिंदु पे चलते हैं, लेकिन ये चीजें आपको सोचनी होगी, किसी भी प्रश्न को जब आप बनाते हैं ये आधार होता है कि आप ऐसे सोचिए। पहला आधार होता है वर्ग और घन, अगर वो नहीं है तो सम विषम देख लीजिए, फिर भाज्यता की बात करिए। आइए इन प्रश्नों पे बताने का प्रयास करिए कि सबसे डिफरेंट क्या होगा, सबसे डिफरेंट बोला ना, इसके जैसा ही गुणवत्ता वाला कौन सा होगा। संख्या समूह आपको विकल्पों में से बताना है, कौन सी संख्या समूह में सेम गुणवत्ता है,
ध्यान से देखिए, कौन से संख्या समूह में सेम गुणवत्ता है, प्लीज बताने का प्रयास करिए। जैसे 72 है आपके पास, क्या लिखा 72, 72 को हम क्या कह सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस। आपके पास 56 है, 56 को क्या कह सकते हैं, 56 को कह सकते हैं 7 का स्क्वायर प्लस। और 42 को क्या कह सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6। तो ये 8, 7, 6 है। अगर आप विकल्पों में से देखें तो कौन सा विकल्प हम बैलेंस कर सकते हैं, कौन सा और ये विकल्प सी वाला बैलेंस कर सकते हैं, सी उत्तर हो जाएगा। पता है क्यों सी वाला बैलेंस कर सकते हैं, 132 को कह सकते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 11। उसके बाद 110, 110 को कह सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 10। उसके बाद है आपके पास 90, 90 को कह सकते हैं 9 का स्क्वायर प्लस। बात समझ में आई? तो ये 11 का स्क्वायर प्लस 11, 10 का स्क्वायर प्लस 10, और ये क्या होगा 9 का स्क्वायर प्लस। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली, दिए गए प्रश्न का जो प्रॉपर उत्तर है क्या, विकल्प सी। विकल्प सी इज करेक्ट, सी विल बी द आंसर। विकल्प सी इज करेक्ट, सी विल बी द आंसर। इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइएगा जरूर। एक प्रश्न है, उत्तर दीजिए कैसे बनेगा। तेरह, सत्रह, उन्नीस, तेईस, उनतीस, इकतीस, उनतालीस। आपको बताना है कि सबसे विचित्र कौन है, सबसे अलग कौन है, विषम। विषम विषम कौन सी संख्या है, विषम कौन सी संख्या है, विषम कौन सी संख्या है, इसका चुनाव करना है। बहुत ध्यान से, विषम का चुनाव करना है तो मेरे ख्याल से आपके पास विषम तो आ ही गया होगा। कौन सी है, 13, 17, 19, 23, 29, 31। ये सारी की सारी संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्या। कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, जिसे आप क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स कहते हैं। अभाज्य संख्या जिसे आप क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स कहते हैं। 39 प्राइम नहीं है, 39 तो 13 से भाग है। प्राइम नंबर की परिभाषा है जो स्वयं और एक से विभाजित होती है। ठीक है, क्लियर भाई बातें। आइए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। पता है एक चीज नोट किया इसमें, अगर आप इसमें नोट करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, अगर आप नोट करें, जो ये प्रश्न देख रहे हैं आप, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया, उसी प्रकार से इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। अगर इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, अल्फाबेटिकल ये ऑर्डर क्या होगा, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, पहले ए होगा, ए के बाद क्या होगा बी होगा। बस आप देखिए ए के बाद बी किसमें, बात खत्म, ए के बाद बी इसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप क्लास में तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, लाइक डिसलाइक इत्यादि कुछ करके, इसलिए नियमित रहे, निरंतर रहे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी अचानक प्रकट होते हैं, पचाने फिर गायब हो जाते हैं। आना है तो पढ़िए नियमित, अन्यथा फिर मेरे ख्याल से इट्स नॉट यूज वर्दी नहीं आपके लिए। अब देखिए क्या है कि पहले पेपर शीट था, इसको इस प्रकार से फोल्ड किया गया ऊपर से नीचे, फिर दाएं से बाएं की ओर। डिजाइन आप देख रहे हैं, डिजाइन पे गौर फरमाइएगा, डिजाइन आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज का डिजाइन आप गौर से देखिएगा, त्रिभुज का डिजाइन आप देख रहे हैं, त्रिभुज का डिजाइन इस प्रकार से, मतलब ये यहां पर अगर खुलेगा तो जाहिर सी बात इसका मिरर इमेज बनेगा, अगर ये यहां पे है तो इसी प्रकार का। लेकिन देखिएगा गौर से, ये कहां है त्रिभुज का डिजाइन, बॉटम लेफ्ट में,
क्योंकि आपने राइट से लेफ्ट की तरफ किया है, याद रखिए आप पेपर शीट को, बॉटम लेफ्ट में, बॉटम लेफ्ट में ऐसा डिजाइन ये तो होगा ही नहीं, तो काटो, ये ऐसा डिजाइन त्रिभुज नीचे की तरफ क्यों होगा, ये भी नहीं होगा, तो एक ही विकल्प बचा, एक ही विकल्प आपके पास बचा, तो क्या हो जाएगा, विकल्प डी दिया गया, प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाएगा ये डिजाइन होगा, विकल्प डी। सी क्यों दे रहा है, मुझे तो हैरत होती है, मुझे इस बात की हैरत है कि सी क्यों होगा जब डी स्पष्टता से दिख रहा है, सी का डिजाइन आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? अरे मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे स्नेही, ये लेफ्ट की तरफ है बॉटम लेफ्ट, और बॉटम लेफ्ट में देखिए कैसी आकृति दी गई है, किसी ने सी दिया तो सी 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 सी, किसी ने डी देगा तो डी डी डी। तो मैं तो वाकई हैरत हो जाता हूं अगर जो एक उत्तर देता है उस उत्तर को आप किस प्रकार से भुनाने लगते हैं, वाकई हैरत अंगेज बात है ना, हैरत अंगेज बात है। आगे चलते नेक्स्ट सत्र, इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना, क्या बताना, दर्पण प्रतिबिंब बताना। आइए दर्पण, चूंकि आप जानते लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट, अगर ये हिस्सा इस प्रकार से, ये हिस्सा इस प्रकार से है, तो यहां पे क्या देखेगा, ऐसे दिखेगा ना, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये हिस्सा ये तो होगा नहीं, हाँ ये तीनों ठीक है। अब देखें ये वृत्त है, वृत्त किधर देखा, बाईं तरफ है तो दाईं तरफ हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा, ये ऊपर जाने का कोई दुख नहीं, हो गया ऐसे ही करते हैं, बाईं से दाईं, चूंकि आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया तो दर्पण प्रतिबिंब सिंपल होता है, बाईं से दाईं, दाईं से बाईं, नहीं मित्र, मित्र मेरे साथी, मेरे स्नेही, ये पकड़ में आ जाएगी मित्र, मैं व्याख्या करता हूं, मैं बोलता भी वर्ग और घन। अब देखिए इसमें अगर बताने का प्रयास करें, सिलोजिज्म का प्रश्न, अगर आपने सिलोजिज्म पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को बखूबी आसानी से बनाएंगे, हाँ नहीं पढ़ा होगा तो वो अलग मसला है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई प्रॉपर तरीके से की होगी इसका उत्तर जरूर देंगे। कुछ बत्तख मुर्गियां हैं, माँ के लिए बत्तख कर दिया, माँ के लिए मुर्गियां कर दिया, फिर कुछ मुर्गियां चूजे हैं, देख रहे हैं, कुछ बत्तख मुर्गियां, कुछ मुर्गियां चूजे हैं, और कथन के अनुसार चले तो कथन ने बत्तख और चूजे के बारे में कुछ नहीं कहा, तो कुछ बत्तख चूजे हैं, कुछ बत्तख चूजे हैं, नहीं पता, कुछ मुर्गियां बत्तख है, साफ दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ओनली सेकेंड फॉलोज, इज इट ट्रू और नॉट, ओनली सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी विल बी द आंसर। आप इस प्रकार से पहचान कर उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप नियमित रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सच कह रहा हूं, सच मतलब सच, वाकई सच, 100% सच। इस प्रश्न को गौर से देखिए, समझ लीजिए और आराम से बनाने का प्रयास करिए। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, वृत्ताकार है, एक वृत्त है, सभी का मुख केंद्र की ओर है, ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति की संख्या 6 दी गई है, आपने इस प्रकार से 6 बना लिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बना लिया, सभी का मुख कहा है, सभी का मुख केंद्र की ओर, 6 व्यक्ति बना लिया, प्रश्न कहता है इसका मुख आर की ओर है, प्रश्न क्या कहता है, इसका मुख आर की ओर, प्रश्न कहता है इसका मुख आर की ओर है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो, जो किसके लिए, जो आर के लिए, याद रखिएगा, जो किसके लिए, आर के लिए, जो किसके लिए, जो है आर के लिए, किसके लिए, आर के लिए, प्रश्न साफ कहता है, जो आर के लिए, प्रश्न साफ कहता है, आर ए के बाई ओर है, ओहो ए के बाई ओर है, बना लिया आपने, और प्रश्न ये भी कहता, देखा ना, इसलिए कहीं तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। देखिए मान लिया जाए प्रश्न आपके सामने छूटेगा, कोई प्रश्न छूटता है, मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन कितने प्रश्न बनते हैं, 25 में से आप बताइए कितने प्रश्न बनते हैं, रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें 25 में से 25 लाना कठिन है, मैथ्स में 25 में से 25 ला सकते हैं, ये बात मैं खुल के कह रहा हूं, रीजनिंग एक ऐसा विषय जिसमें 25 में से 25 लाना कठिन है, क्योंकि कुछ एक प्रश्न इलॉजिकल होते हैं, लॉजिकल हो तो विद्यार्थी दावा कर सकता है मैं बना लूंगा, इलॉजिकल, बेवकूफ, जहिलियत वाला प्रश्न एक आध होते रीजनिंग में, लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ जहिलियत वाले प्रश्न को बना लेना चाहिए, जहिलियत, वाकई जहिलियत बना लेना चाहिए, मेरे ख्याल से चीजें फिर सरल हो जाती है, एक आध प्रश्न ऐसे होते, इसलिए मैं रीजनिंग में बोलता हूं विद्यार्थी कि आप 25 में से, ये बात कोई नहीं रोका, 23 ला सकते हैं आप, जो बात जेन्युइन है, मैं सीजीएल की बात हो, सीएचएसएल की बात हो, अगर आप 25 में से 25 ला रहे अच्छी बात है, परंतु मैथ्स में ला सकते हैं, रीजनिंग में एक आध में हो जाता है मसला,
लेकिन अगर आप अटपटे तरीके से सब कुछ पढ़ा हुआ, इसलिए क्लास में मैं अटपटे प्रश्न रखने का प्रयास करता हूँ, फिर भी आप में से कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर ये कैसे, मैं इसका उत्तर ये भी हो सकता है, वही अटपटे प्रश्न की बात करता हूँ। आर ए के बाईं ओर है और पी के दाईं ओर है, आर क्या पी के दाईं ओर है और आर के विपरीत में कौन एस है, ये प्रश्न कहता है आर के विपरीत में एस। आगे चलिए क्या है, आगे ए डी के बाईं ओर है, ए क्या है डी के बाईं ओर है, ठीक है डी के बाईं ओर है। आगे है वाई पी के बाईं ओर है, पी के बाईं ओर वाई, आपने इसे तो व्यवस्थित कर लिया। इसे व्यवस्थित करने के बाद यहां से प्रश्न कहता है यदि यदि डी वाई के साथ अपना सीट आदान प्रदान करता है, डी किसके साथ वाई के साथ, डी वाई के साथ अपना सीट आदान प्रदान करता है, यहां वाई और यहां पे कौन होगा, डी वाई के साथ अपना सीट आदान प्रदान करता है, उसके बाद फिर कहता है पी आर के साथ, यहां पे आर यहां पे पी, पी आर के साथ सीट आदान प्रदान करता है। तो प्रश्न कहता है डी के दाईं ओर कौन बैठा है, प्रश्न कहता है डी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो डी डी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो डी चूंकि डी यहां आ गया ना, डी के दाईं ओर बैठा, डी के दाईं ओर क्या हो जाएगा आर बैठा, डी के दाईं ओर कौन बैठा आर बैठा, तो आंसर क्या हो जाएगा आर दाईं ओर, क्लियर है। एस नहीं आनंद कुमार डी के दाईं ओर आर होगा, बिल्कुल 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 सही बात, इसका मतलब ये हुआ। याद ना करिए प्रश्न को, प्रश्न को याद करने की कोशिश ना करें, लाइव बनाए लाइव इस प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें क्या होगा, ध्यान से। 17 देखिए, अच्छा प्रश्न है, इसमें गलत पद बोला, इन दोनों को जोड़ दें अगला पद होगा, इन दोनों को जोड़ दें अगला पद होगा, अच्छी बात, इन दोनों को जोड़ दें अगला पद होगा, इन दोनों को जोड़ दें अगला पद होगा, इन दोनों को जोड़ दें तो अगला पद होना चाहिए 269 होना चाहिए, 269 और 166 को जोड़ दें 435 होगा, इसका मतलब है 329 के स्थान पे 269 होना चाहिए, गलत पद 329 है। मैं चाहता हूं कि बाकी बाकी जो प्रश्न है अच्छा है ना, वो बाकी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, प्रश्न संख्या 21 प्रश्न संख्या 22 उत्तर जरूर दीजिएगा, प्रश्न संख्या 23 प्रश्न संख्या 24 और प्रश्न संख्या 25, इन 25 प्रश्न में बताइएगा कि आपने कितना किया, 20 तक मैंने बता दिया आपको, हम लोग आपस में डिस्कस कर लिए, और 25 प्रश्न बताकर ये बताइएगा 25 में से आप कितने बना चुके हैं, कितने बना लेते हैं 25 में से, इस बात का बताने का प्रयास करिएगा, आपसे विशेष आग्रह करता हूं 25 में से जरूर बताइएगा आपने कितना, कमेंट जरूर करके बताएं, तभी पता चलता है, मूल्यांकन में कमेंट्स देखता हूं तो पता चल जाता है ना कितने आप कर पा रहे हैं, कितने क्या है, वो सारी बातें पता चलती है। कुल मिला के जो भी साथी है मैं आपसे आग्रह करूंगा, अभी साथी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं, आज 15 नवंबर एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आज आखिरी तारीख है, आपको इसलिए सूचित कर रहा हूँ, जो भी आपके अजीज तैयारी करते हैं उनको बता दीजिएगा, ये ऑफर है 15 ऑफर का मतलब ये होता है कि जैसे इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं, आज तक रकम बहुत सामान्य है, ठीक है बहुत मिनिमम रकम होता है, रकम आप देखेंगे तो यूं आसानी से मतलब ऐसा रकम जो कोई व्यक्ति रीच है, और बाकी 15 नवंबर आज है, 15 नवंबर आखिरी तारीख है, और प्रोसीड कर लीजिएगा तैयारी के, क्योंकि बाद में आप ज्यादा समय कैसे हो चुका है जीडी में, ऐसे ही देरी हो चुकी है, बाद में और जुड़ेंगे तो आपको और समस्या होगी, परेशानी होगी, लोड बढ़ जाएगा, सीधी बात, सिंपल बात, सरल बात, सहज बात, बाकी अपना ख्याल अपना ध्यान रखिएगा, निरंतर रहिए, नियमित रहिए, खुश रहिए, सारी बातें रिविजन करते रहिए, शुक्रिया हृदय तल से तहे दिल से आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, धन्यवाद।